नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल खबरें। खबर नंबर एक की डायरेक्ट हम बात करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में चार चरण के मतदान के बाद सियासी दलों की निगाहें अब पांचवें चरण के मतदान पर लगी हुई हैं। चार चरण के चुनाव में घटते मतदान प्रतिशत को राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी एक बार फिर से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई टेंशन नजर आ रही है। दरअसल पंजाब की गुरदास लोकसभा सीट से भाजपा ने फिल्म अभिनेता सनी देओल को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। सनी का असली नाम भाजपा के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया है। चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल किए गए नामांकन दस्तावेजों में सनी देओल ने अपना असली नाम अजय सिंह द्रविंद्र देओल बताया है। भाजपा की परेशानी अब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नामांकन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही नाम प्रदर्शित होगा, यानी पंजाब की गुरदास लोकसभा सीट पर वोटरों को ईवीएम में सनी देओल नहीं बल्कि अजय सिंह देओल नाम दिखाई देगा। भाजपा को अब डर है कि मतदान के दिन ईवीएम पर अजय सिंह देओल नाम दिखने से वोटर कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो भाजपा उम्मीदवार को अभी तक सनी देओल के नाम से ही जानते हैं। अपनी इसी डर को लेकर पंजाब भाजपा के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर मांग की है कि ईवीएम पर अजय सिंह देओल का नाम लिखने की बजाय सनी देओल ही लिखा जाए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ईवीएम पर वही नाम लिखा जाता है जो नामांकन पत्रों में चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे ही प्रावधान हैं जिनके तहत ईवीएम पर एक अलग नाम लिखने की भी इजाज़त मिल जाती है। चुनाव आयोग से मांग करने के बाद भाजपा को उम्मीद है कि सनी देओल के नाम को लेकर जल्दी उनकी परेशानी खत्म हो सकती है। अब हम बात करेंगे खबर नंबर दो की। क्या नेहरू की वजह से कुंभ मेला में मची थी भगदड़, जाने क्या हुआ था उस दिन। इस खबर को हम डिटेल से देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में अक्सर पूर्व की कांग्रेस सरकारों और उनके प्रधानमंत्रियों को निशाने पर लेते आए हैं। इस कड़ी में उन्होंने इस बार 1954 में हुए कुंभ के दौरान मची भगदड़ के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी बीते बुधवार को यूपी के कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पंडित नेहरू जब कुंभ मेले में आए थे तब अव्यवस्था के चलते भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस खबर को दबा दिया था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो रही थी कि क्या वाकई में नेहरू के कुंभ में जाने की वजह से भगदड़ की घटना घटी और क्या तब के अखबारों ने इस खबर को कांग्रेस के दबाव में आकर दबा दिया था। अखबार इसलिए क्योंकि तब भारत में उस समय टीवी का दौर नहीं था, या यूं कहें टीवी के दौर बहुत ही कम था। खबरों के लिए जनता अखबार और रेडियो पर ही निर्भर होती थी। हालांकि कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मानना यह है कि भगदड़ की घटना के लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस तर्क के पीछे उनकी दो प्रमुख दलीलें हैं। पहला, नेहरू हादसे के दिन कुंभ में मौजूद ही नहीं थे, और दूसरा, तब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज जैसे इंतजाम करना भी मुश्किल था। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बवेले कहते हैं कि कुंभ में भगदड़ की घटना 3 फरवरी 1954 को हुई थी, जबकि पंडित नेहरू 2 फरवरी को कुंभ मेले में स्नान के लिए पहुंचे थे। कुंभ स्नान के बाद नेहरू वहाँ के इंतजामों से संतुष्ट होकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के तहत उसी दिन रवाना हो गए थे। पीयूष नेहरू बागमय खंड 25 के हवाले से बताते हैं कि संसद की कार्रवाई का ब्यौरा और नेहरू का संसद में दर्ज भाषण में इस हादसे का जिक्र है। प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार नरेश मिश्र के बीबीसी में छपे बयान के मुताबिक पंडित नेहरू भगदड़ से ठीक एक दिन पहले आए थे। उन्होंने संगम में जाकर तैयारियों का जायजा लिया और फिर वापस दिल्ली चले गए, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हादसे वाले दिन संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के समय किले के बुर्ज पर बैठकर दशानामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। तभी दो पेशवाई जुलूस वहां से गुजरे और इस भीड़ ने भगदड़ की शक्ल ले ली। घटना को अपनी आंखों से देखने वाले नरेश मिश्र बीबीसी को बताते हैं कि 45 मिनट की यह भगदड़ अपने आप काबू में आ गई, लेकिन तब तक करीब 700 से 800 लोग मारे जा चुके थे। यह प्रशासन का आंकड़ा था, लेकिन मिश्र कहते हैं कि जो आंकड़ा देखा था उसके बाद जो सुना था उस लिहाज से मृतकों की संख्या जाना रही होगी। उन्होंने बताया कि इस घटना की चर्चा महीनों तक होती रही और तब के सभी प्रमुख अखबारों ने कुंभ के इस हादसे को कई दिनों तक प्रकाशित किया था। अब आते हैं खबर नंबर तीन की तरफ। रिपोर्ट आ रही है कि नक्सली हमले में कम, बीमारियों से 15 गुना ज्यादा शहीद हो रहे हैं सीआरपीएफ के जवान। इस खबर को हम विस्तार से देख लेते हैं। मित्रों, हाल ही में जारी हुए एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान नक्सली हमले की तुलना में बीमारियों और अन्य वजहों से 15 गुना ज्यादा शहीद हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में नक्सल प्रभावित सभी 11 राज्यों का आंकड़ा लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से जुलाई 2018 तक गैर नक्सली कारणों से 1294 जवानों की मौत हुई है, जबकि इस दौरान नक्सली हमले में 85 जवान शहीद हुए हैं। गैर नक्सली कारणों में हृदय गति का रुकना, डेंगू मलेरिया, आत्महत्या आदि शामिल हैं।
साल 2016 में हुए नक्सली हमलों में छत्तीसगढ़ में 14, बिहार में 11 और झारखंड में 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, जबकि वर्ष 2017 में नक्सली हमलों में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 2017 में सबसे ज्यादा 39 जवान छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमलों में शहीद हुए थे। इसके अलावा एक जवान महाराष्ट्र में शहीद हुआ था। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमलों में 11 जवान शहीद हुए हैं, जबकि झारखंड में 2 और बिहार में 1 जवान शहीद हुआ था। देश में नक्सल प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 90 जिले शामिल हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना के 30 जिले सबसे ज़्यादा नक्सली प्रभावित गतिविधियों में लिप्त हैं। अकेले झारखंड के 13 जिले सबसे ज़्यादा नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहे हैं। रिपोर्ट यह बताती है कि लोग नक्सली हमलों में कम शहीद हुए हैं, जबकि बीमारियों की वजह से ज़्यादा शहीद हुए हैं। अब हम खबर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शिमला में एक ऐसा बहुत पुराना खजाना मिला है जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। जी हाँ, आपने सही सुना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक पेड़ के अवशेष मिले हैं। इस पेड़ के अवशेष को 25 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे, अभी तो 2019 चल रहा है, फिर इससे पहले कितने साल निकल गए। आगे आपको हम सब समझाएंगे, फिलहाल इस पेड़ के बारे में आप समझिए। इस विशाल का पेड़ के अवशेष मिले हैं शिमला से 70 किलोमीटर दूर खड़ापत्थर इलाके में। बताया जा रहा है कि ये अवशेष मीसोजोइक जियोलॉजिकल एरा का है। हिमाचल स्टेट म्यूजियम के क्यूरेटर हरीश चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डीएफओ की तरफ से सबसे पहले पेड़ के अवशेष मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद इस इलाके का दौरा किया गया। इस पेड़ का अवशेष 7 से 25 करोड़ साल पुराना हो सकता है। कुछ दिन के बाद संग्रहालय की टीम मौके का दौरा करेगी, उसके बाद ही यह बात साफ हो पाएगी कि अवशेष वाकई में कितना पुराना है। डीएफओ की तरफ से सबसे पहले पेड़ के अवशेष मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद इलाके का दौरा किया गया। इस पेड़ का अवशेष 7 से 25 करोड़ साल पुराना हो सकता है। जियोलॉजिकल फेनेरोजॉइक काल के मुताबिक धरती के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पैलोजॉइक एरा, इस काल की शुरुआत 50 करोड़ साल पहले हुई थी और ये काल 30 करोड़ साल पहले तक चला। इस काल में पहली मछली धरती पर आई थी। हम जिस मेसोजॉइक काल की बात कर रहे हैं, यह वाला पार्ट दूसरे हिस्से में आता है। इसी मेसोजॉइक काल के दौरान धरती पर डायनासोर पाए जाते थे। मेसोजॉइक काल 25 करोड़ 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और यह 6 करोड़ 60 लाख साल तक चलता रहा। तीसरे नंबर पर आता है सीनोजॉइक काल। इसी काल में धरती पर इंसान अस्तित्व में आए। इस काल की शुरुआत 3 करोड़ 50 लाख साल पहले हुई थी और 2 लाख साल पहले खत्म हुआ। इंसान अस्तित्व में 2 लाख साल पहले ही आए थे। अब आप समझ गए होंगे कि यह पेड़ कितना पुराना है और हो सकता है इसकी कीमत करोड़ों रुपए में हो। अब बढ़ते हैं अंतिम खबर, जो कि खबर नंबर 5 है। एक सरकारी कर्मचारी ने फांसी लगा ली और सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार सरकार है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिश्वजीत मजूमदार सरकार से हार गए हैं। 55 साल के बिश्वजीत जिंदगी की जंग हार गए। 28 महीने से वह अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे थे, मगर ना तो उनकी सैलरी मिली, ना ही पीएफ, और ना ही उनका पेंशन का पैसा निकल सका। बेटियों की फीस नहीं दे पा रहे थे, घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा था। आखिर 29 अप्रैल के दिन उन्होंने सरकारी क्वार्टर में ही फांसी लगा ली। घर के अंदर एक कमरे में उनका शव सीलिंग फैन से लटकता मिला और उसके साथ ही मिला एक सुसाइड नोट। द क्विंट के मुताबिक इस सुसाइड नोट में अंग्रेजी में लिखा था, आई क्विट, जियो आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ। मतलब ये कि मैं जा रहा हूँ, मेरी मौत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। ये सुसाइड नोट स्केच पेन से फ्रिज पर लिखा गया था। विश्वजीत असम गुवाहाटी के जागी रोड स्थित नगांव पेपर मिल में सीनियर इंजीनियर थे। यह मिल हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन यानी HPC की थी। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन यानी HPC भारत सरकार का ही उपक्रम है। 2 साल पहले मार्च 2017 में भारत सरकार ने बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया था। तब से इसके कर्मचारी तनख्वाह के लिए भटक रहे हैं। वेतन न मिलने से विश्वजीत भी परेशान थे। मजूमदार मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले थे। घर में पत्नी के अलावा 2 जुड़वां बेटियां हैं। इनमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में MPhil की पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरी बेटी केरल में रिसर्च स्कॉलर है। द क्विंट ने मजूमदार के परिवार और सहकर्मियों से बात की। उन्होंने बताया कि वे बेटियों की पढ़ाई के लिए ज्यादा चिंतित थे। इसके अलावा उनको खुद की सेहत की भी चिंता रहती थी। यह मौत मुख्य तौर पर खराब आर्थिक स्थिति की वजह से हुई है। बीते 28 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा उनके PF, पेंशन और ग्रेजुटी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा था। अब आप जान लें कि भारत सरकार से क्या संबंध है इन मिलों का। नगांव और कैचर पेपर मिल केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंडर में आती हैं। यहाँ बांस से कागज बनाने का काम होता है।
कैचर पेपर मिल साल 2015 में और नगांव पेपर मिल वर्ष 2015 में बंद कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना के इन दोनों मिलों को बंद कर दिया था। नगांव पेपर मिल 1985 में और कैचर पेपर मिल 1988 में शुरू हुई थी। दोनों कंपनियां हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर चलती थी। दोनों मिलों से साल में 1,00,000 टन कागज का उत्पादन हो रहा था। यहाँ प्रिंटिंग पेपर और राइटिंग पेपर दोनों तरह के कागज बनते थे। एक दौर था कि यहाँ करीब 1200 कर्मचारी कार्यरत थे और करीब 2,00,000 लोगों को यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ था। कागज बनाने में बांस अहम प्रोडक्ट था। एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इन दिनों मिलों को बांस नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा पेपर मिलें लगातार घाटे में आती चली गईं। इससे समस्या बढ़ गई। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, तब वादा किया था कि मिल को चलाया जाएगा, पर अब भी इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जरूर वादा किया कि वो दोबारा मिलों को चलवाएंगे। आज बस इतना ही। अब आप आज की खबरों का पुनराकलन कीजिए। अच्छे बनिए, सुरक्षित रहिए, आम जनता की आवाज़ बनिए। नमस्कार।